गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोरेंट पावर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 11 रुपए 65 पैसे की गिरावट देखने को मिली है, और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 1.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है, परंतु एक महीने में 25% की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 24%, 6 महीने में 29% और 1 साल में 45% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 725 रुपीज। 725 रुपीज के स्टॉक में खाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अब इस स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 670 रुपीज। 670 रुपीज इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 650 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 735 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।